खरगोन जिले में अवैध शराब रोकथाम के लिए आबकारी विभाग के चलाए जा रहे अभियान की पोल ग्रामीणों की शिकायतों के चलते खुल रही है। एक ओर जहां विभाग कार्यवाही कर कच्ची और देशी विदेशी शराब जब्ती की बात कर रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बिक्री ग्रामीणों के लिए सिरदर्द बन रही है। मंगलवार को सेगांव जनपद के ग्राम खोलगांव के ग्रामीण एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां गांव में करीब आधा दर्जन लोगों द्वारा बेरोक टोक कच्ची शराब बेचे जाने की शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों ने बताया, पंचायत के 3 फालियों में कच्ची शराब बनाई जा रही है। पंचायत ने शराब बिक्री एवं रोक के लिए ठहराव प्रस्ताव भी पारित किया, लेकिन अवैध शराब विक्रेता इस ठहराव प्रस्ताव की भी अवमानना कर रहे हैं। रोकने पर विवाद की स्थिति बनती है, वहीं शराब पीने के बाद लोग दिन भर गाली गलौज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हमारे गांव के, हमने पहले 2 बार पैसे एक्ट कानून के द्वारा सबको समझाई दिया गया था। ग्रामीण में बहुत से लोग ऐसे मतलब है कि वो शराब उतारना मान नहीं रहे, इसलिए हम कानूनी कार्रवाई तौर पे ग्राम पंचायत का प्रस्ताव करके और सब ग्रामीणों ने हस्ताक्षर करके इस हिसाब से कार्रवाई की मांग की है कि उचित कार्रवाई करें, ताकि गांव में महिला एवं बच्चे की बहुत प्रभावित हो रहे हैं और लोग जो है कि भलती भलती सब चीज़ें घर की बेच के ये कर देते हैं, गाँव में झगड़े अधिक से अधिक फैलाते, इसलिए अब थोड़ा शांति साहब से मिला, क्या आश्वासन मिला आपको? हाँ, तो हमने एसपी साहब को अभी दिया तो बोले हम तत्काल कार्रवाई करेंगे आपकी, और बाकी जो भी है तो उनका आपको सहयोग करना पड़ेगा, इसलिए इतना। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह भाभर, खोलगांव ग्राम पंचायत। कहाँ से क्या शिकायत लेके आए आप? क्या शिकायत है सर? ये क्या है, ग्राम खोलगांव में कच्ची शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु हम यहाँ एसपी कार्यालय आए थे, इसका प्रस्ताव ठहराव करा किया गया ग्राम पंचायत में, उसको कलेक्टर कार्यालय में भी ज्ञापन देने के हिसाब से आए थे। क्या पेशा एक्ट में भी आपने इसको पास किया? पेशा एक्ट समिति के अंतर्गत भी प्रस्ताव ठहराव किया गया है और सभी सर्व ग्रामवासियों की सहमति से निर्णय लिया गया है। तो क्या शराब बेचते हैं गाँव में? गांव में कच्ची शराब की बिक्री हो रही थी, उससे मतलब गांव का माहौल प्रभावित हो रहा था। इस संबंध में सभी लोगों को इकट्ठा करके विचार विमर्श किया गया एवं ज्ञापन अनुभागीय अधिकारी सेगांव तहसीलदार प्लस चौकी प्रभारी को ज्ञापन दिया गया। तो क्या जुर्माना भी लगाओगे अगर ये लगता? हाँ, जुर्माना अब सभी ग्रामवासी मिलकर जो भी शासन द्वारा जो भी दंड उचित कार्रवाई करें उचित कार्रवाई की जाएगी और ग्राम विकास समिति या ग्राम पंचायत के स्तर से भी कार्रवाई की जाएगी। कैलाश चौहान, ग्राम खोलगांव। सर, हम ये कच्ची शराब जो ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से मतलब बनाई जा रही है, कुछ संबंधित आए थे एसपी कार्यालय, तो ग्राम पंचायत में जो प्रशासन द्वारा जो पेशा एक्ट कानून लागू किया गया है ग्राम पंचायत को अपने मध्य प्रदेश में, उसके संबंधित सभी लोगों ने जागृत होकर ये निर्णय लिया गया है कि गांव में जो कच्ची शराब बनाई जाती है उसे पूर्ण तरह प्रतिबंधित किया जाए, और अगर से कोई न माने और जबरदस्ती उस पर दारू बनाते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर प्रशासन को भी हमने ज्ञापन दे रहे हैं इस माध्यम से कि जो जो लोगों के नाम हमने उसे चिन्हित करके भी दे रखे हैं सेगांव थाने पर, प्लस अभी प्रशासन को भी ये ज्ञापन जो प्रस्ताव ठहराव पंचायत में किए गए हैं वो उनके माध्यम से एसपी साहब को अभी हमने ज्ञापन दिया है, तो क्या बोला साहब ने? हमें ये आश्वासन दिया है कि हम भी उचित कार्रवाई करेंगे जितनी भी हो। और तो क्या चाहते हो आप? सर, ये अगर कच्ची दारू गांव में बनाना बंद कर दिया जाए तो जो बच्चे आज की तारीख में युवा ज्यादा से ज्यादा मतलब इससे आदि हो रहा है और मतलब आपने जो मंजिल तक जाना चाहिए जिस कार्य को करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, भटक रहा है, उससे उनका भविष्य बिगड़ रहा है। क्या नाम है आपका? कैलाश चौहान है, और हम चाहते हैं कि कच्ची दारू कुल मिला के कौन से गांव से है? ग्राम पंचायत खोलगांव, मजरा भाबरपुरा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।